Hey Odin Vee, it's my friend Veeb, और आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 8 ऑफ डेमन स्लेयर सीजन 3। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि अपर मून चेंज हो गया एकदम, वो अपने उसने एकदम नए रूप में आया है। ये पता नहीं क्यों करा मैंने, मुझे याद नहीं, किसी में देखा था मैंने मूवी में, जो कि मैं भूल चुका हूँ रेफरेंस, खुद ही भूल चुका हूँ रेफरेंस देख के कि किस में से रेफरेंस है। चलो आपके लिए काम आ गया, इसका रेफरेंस बताना मेरे को कहाँ था एक्चुअल में। बाकी अपर मून 5 के साथ क्या ये भी नहीं पता, वो बस अपने हाना से हागाज़ुका-सान जो भी नाम है उसका, बड़ा अजीब सा नाम, मैं बोल नहीं पाता। अगले एपिसोड में मैं याद करके आऊंगा उसका नाम, बोलूंगा तो सही से बोलूंगा, ठीक है। उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था उसके काम से, लेकिन वो नहीं भटका पा रहा था इसलिए बहुत गुस्से में था। बाकी अपना मुइचिरो, एक तो उसका नाम मित्सुरी है और उसका नाम मुइचिरो है, तो मैं कंफ्यूज जाता हूं, मैं कई बार इसको मित्सुरी बोल देता हूं अपने मिसाशिरा को, है ना। बाकी तो एपिसोड देखने में पता चलेगा, आई थिंक मित्सुरी बचाने आ जाएगी हमारे तांजिरो को, उसकी हालत खराब हो रखी है। मजा आएगा वो देखने में फाइट, मेरे को पसीना आ रहा है कि अब गर्मी आ गई है, एसी एसी तो है नहीं अपनी जिंदगी में। ना 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 शुरू करते हैं। जो रिकॉर्डिंग का सेटअप वेटअप कर रहा था तो मैंने 10 फ्रेम देख लिए होंगे ज़्यादा था, मतलब डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन कर रहा था, तो डबल क्लिक करने पे वो हल्का सा प्ले होके पॉज हो गया था। तो शुरुआत का मैंने कुछ फ्रेम्स देखे, तो उस फ्रेम्स के हिसाब से जब मैं किसी लड़की को बोलूँ कि मुझे गिटार बजाना आता है, मीम था, सांस ले ले अच्छे से, क्या नमने से सिवेर, इतनी हालत खराब कर दी उस पॉइजन ने। अरे भाई साहब कोचेत्सु भी, अरे एक नहीं दो, काफी सारे हैं, पहले तो एक ही देखा था ना बे, ऐसे कैसे चलेगा, डोंट गिव अप, बिल्कुल द मू इन ऑफ मुइचिरो, द मू ऑफ मुइचिरो। लंबर तो इसका भी वैसे ही काम था, अपने अपने जोरिची कह रहा हूँ तांजिरो, मुझे उस बंदे का नाम पता चल गया इस जगह से, अच्छी बात है, काफी लोगों को नहीं अच्छा लगता। अच्छा इसकी माँ बीमार है, आते होंगे थोड़ा सा और टिके रहो, यही बोल रहा है। अब तो ये सब देख के ना इनमें मैं मतलब कि इतना वो हो चुका हूँ कि अब तो कुछ महसूस भी नहीं होता, मतलब महसूस होता है लेकिन अब थोड़ा सा वो हो गया है कि हाँ एक और दुख दर्द वाली कहानी, अब ये भी दुख दर्द एक्सपीरियंस कर रहा है हमको। कैसा लग रहा है, ठंडा तो क्या होता है एक्चुअल में, क्योंकि वो अभी अकेला है ना, हर्ब्स, अच्छा हर्ब्स मिल गए, गिर जाएगा, किस्मत भाई किस्मत, किस्मत कौन, I had a twin बे युइचिरो, ये इसका उल्टा है, इसलिए उसे याद आया था, उसके पिता ने भी सेम बात बोली थी, भाई साहब बड़ा हार्श है, इनकम्पिटेंस। अच्छा जी, भाई ये वायलिन की टोन एकदम ऐसा लगा वाले पार्ट के लिए बज रही है, अच्छा तो इसके ट्विन का क्या हुआ, ट्विन है तो अच्छा, दोनों के कपड़े भी इन्वर्टेड टाइप के, भाई तो पानी क्या क्वालिटी है यार, एक सेकंड, अच्छा ये तो वो है पेड़ की रूह, चलो अच्छा है, ऐड आ गया, अबे इतनी जल्दी ऐड आ गया,
तांजिरो भी पहाड़ पे रहता था, ये भी पहाड़ पे रहता था। बात गलत नहीं है, लेकिन सॉरी ये मेरा जानबूझ के नहीं कर रहा मैंने, क्या बोलेगा बोल। तू अपने मिस्टेक अच्छा इसलिए इनको पता था कि ये डिसेंडेंट है उनका। कैमरा ऐसे ऐसे चल रहा देगा म्यूजिक तो उसके इतनी चोट क्यों लगी हुई थी, दिखाया था ना फिलर में मतलब कि थोड़ा पुराने उसमें किसी को चोट लगी हुई थी बहुत ज्यादा, कुछ तो हुआ होगा तभी चोट लगी थी। इतनी बड़ी लकड़ी 10 साल का लड़का उठा रहा है वही बड़ी बात है, मुझसे नहीं उठेगी ये लकड़ी। गर्मी आ गई, कोई डीमन आ जाएगा लगता है सेरा है मेरे को। इतने लंबे बाल क्यों रख रखे इन लोगों ने, क्या होगा अभी डीमन आ गया। कट गया हाथ बे यार अचानक से, तो ये क्या हुआ अचानक से, इतनी अचानक से हुआ ना मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। अच्छा तो बच्चा कैसे है? अच्छा जिससे क्या हुआ, अच्छा भाई साहब भाई तो वैसे ऐसी स्क्रीन की तरह लड़ रहा था क्या, एक हाथ में कुल्हाड़ी एक हाथ में तोड़ा। कौन वो करेगा, पर से भाई का क्या हुआ? भाई साहब क्या करा इसने रेज में आके, किसको सेव, अब चुप अपने भाई के लिए बोल रहा है, हाथ कट गया एक बार में। इतनी डार्क कहानी रखते है ना ये, गॉड बुद्धा प्लीज। वो तो मुझे पता था कि ऐसे ही होगा, देखा वैसे अगर ये दोनों स्वॉर्ड्समैन बनने चले जाते तो जा सही रहता। वैसे इसके आने के बाद ही इसको सूजा बोलने का, सॉरी ये अच्छा जोक नहीं था। चिकन फ्रॉम ओबे, अबे मार्किंग्स आ रही हैं लिमिटलेस, क्या फोर्थ फॉर्म, अच्छा नाम नहीं बताया फोर्थ फॉर्म का, शिफ्टिंग फ्लो स्लैश, हाँ मुझे लगा ही था ये वही वाला है। इसकी भी मार्किंग आ गई जैसे अपने तांजिरों की आती है, मतलब एक्चुअल में रिलेटेड है ये। हगा नेजुका यार सही तो बोलता हूँ मैं हर बार,
अगर नेजुका, लेकिन बोलने में दिक्कत हो जाती है मेरे को। पॉइजन थे ना उसके, लेकिन पॉइजन तो कुछ नहीं हो रखा उसको, मतलब ठीक हो गया, पता नहीं कैसे ठीक हो गया। भाई आग फोड़ दी, निकल आया भाई वो। यही तो गड़बड़ कर देते हो ना तुम लोग। क्या According to the information I got from Ludens, marking में और भी कुछ बात है। ओह, चोट लगी इस बार। ओह, उसको जरा पॉलिश करने दे। मुझे लगा था ऐसा कुछ होगा। हाँ भाई सब क्या स्वॉर्ड है। कोई वैसा होगा ये, ठीक है। नहीं ना 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 ना, अच्छा ना। इसका वो स्वॉर्ड गार्ड बहुत प्यारा है। अब इसके पीछे भी कोई बैक स्टोरी है क्या? इतना अच्छा था क्यों है इसकी स्वाड़ी से प्यारी क्यों है? भूल भी जाता है। हाँ बापरे, अच्छा अच्छा इंसान है, पर ऐसा क्या होगा? भाई साहब Sea of cloud and haze. Bad from fast jumping. ऐसा क्या? वैसा ऐसा क्या? ऐसे ही बोल रहा होगा ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मैं यही सोचता हूँ। एपिसोड खत्म तो नहीं होने वाला ना? अरे खत्म होने वाले। खत्म हो गया एपिसोड यार। अरे हैप्पी बर्थडे। ओ भाई साहब ありがとう。
どうぞ。イエーイ。おべ。कितनी प्यारी शक्ल लग रही थी एक मिनट कितनी प्यारी शक्ल लग रही है इसकी मिचुरी की पीछे नजर को वह एपिसोड तो बहुत बढ़िया था। अब करते हैं बातें, हमारे पास 5 मिनट। तो एपिसोड बहुत बढ़िया था, थोड़े फिलर्स ज्यादा थे, मतलब कि बैक स्टोरी ज्यादा आ रही थी, लेकिन वो अच्छी बात थी क्योंकि बैक स्टोरी की हमें जरूरत थी। इतनी देर से फास्ट फास्ट चल रहा था, थोड़ी पेसिंग स्लो करके उन्होंने बैक स्टोरी सुनाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है। हालांकि जो मुझे देखना था आज वो देखने को नहीं मिला और मुझे बहुत दुख है उस बात का। मुझे एक्चुअली देखना था हाना तेंगू की फाइट कि वो क्या करेगा, अब इतना खतरनाक लग रहा था वो आखिरी सीन में। और ये तो मेरे को ना अपर मून 5 तो ऐसा वो लग रहा है कि क्या है यार, क्या है समझ रहा है ना। तो अपर मून 5 की फाइट तो देखने का मन भी नहीं कर रहा, अजीब सा कैरेक्टर लग रहा है, उसका कैरेक्टर भी पसंद नहीं आ रहा मेरे को। बट अपर मून 4 उसमें है बात, तो मुझे वो फाइट देखने का बहुत इंतजार है। इस एपिसोड में ऐसा ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं, हालांकि बैक स्टोरी मुझे अंदाज़ा था कि क्या होने वाला है क्योंकि इतने आने में देखे, अब मेरे को अंदाज़ा सा होने लग गया कि एक्शन में क्या दिखाने वाला है। अब वो जो कि एक मतलब मुझे गर्व है लेकिन मुझे बेकार लगता है क्योंकि मुझे पता होता है मैं बार बार मिस्त्री की शक्ल देख रहा हूँ ऐसे में, इतनी क्यूट लग रही है। बस खून लगा हुआ है उसके यहाँ यहाँ, खून जैसा दिख रहा है खून नहीं वो करी है करे है ना। बाकी एपिसोड में तो बहुत मज़ा आया, फाइट जब वो आई नहीं शुरू हुई, बहुत लंबी फाइट नहीं चली इसलिए थोड़ा कम मज़ा आया, लेकिन फाइट अच्छी थी। जब वो ऐसे ऐसे कर रहा था मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था, लेकिन फिर एक्साइटमेंट चली गई क्योंकि फाइट ही लंबी नहीं चली थी। हो सकता है अगले एपिसोड में सिर्फ फाइट दिखाए, वो हमें पता चलेगा लेकिन अगले एपिसोड में, और अगला एपिसोड आएगा अगले हफ्ते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, या मुझसे कुछ भी कह सकते हैं आप, आपका जो मन करे वो कहना मेरे से, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं आपसे मिलूंगा अगली बार अगली यूट्यूब वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।